नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि लैपटॉप में कंप्यूटर के अंदर टाइपिंग कैसे किया जाता है। बहुत सारे लोग कमेंट आ रहा था कि सर बताइए कि हम नोटपैड का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, वर्डपैड का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो आप अगर पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको टाइपिंग का बेसिक नॉलेज मिल जाएगा और किसी का लैपटॉप ले, किसी कंप्यूटर ले, उसमें आप टाइपिंग कर सकते हैं। हमारे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बने हैं कंप्यूटर रिलेटेड। अगर कंप्यूटर चलाना आपको नहीं आता है, लैपटॉप चलाना नहीं आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जाकर चेक करिए, आपको बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे, आप सीख सकते हो। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं, आपको लेके चलता हूँ वन बाय वन करके, मैं दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, मेरे पास ये लैपटॉप है ये, और लैपटॉप के अंदर अलग से एक कीबोर्ड कनेक्ट कर रखा है। देखिए ये कीबोर्ड अलग से यूएसबी कनेक्ट कर रखा है और एक मैंने माउस भी कनेक्ट कर रखा है, क्योंकि अगर आपके पास में कंप्यूटर है, डेस्कटॉप है, तो आप उसको ऐसे यूज कर सकते हैं। देखिए अगर आप पहली बार लैपटॉप यूज करने जा रहे हैं तो आपका जो है ना ये टच पैड कहते हैं इसको, ये यूज करने में थोड़ा आपको तकलीफ होगी क्योंकि ये उंगली से पूरा काम करता है। जैसे माउस के अंदर ये रेज लगे होते हैं काम होता है घुमाने से, वैसे ये लैपटॉप के अंदर इससे टच पैड पर उंगली घुमाते काम होता है। इसके अंदर कीबोर्ड दिया था, कीबोर्ड काम कर सकते हैं, चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो कीबोर्ड से काम हो सकता है, लेकिन मैंने अलग से कीबोर्ड कनेक्ट कर रखा है, अलग से मैंने माउस कनेक्ट कर रखा है आपको दिखाने के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं, आपको बताता हूँ मैं कैसे यूज करते हैं। देखिए जब लैपटॉप कंप्यूटर आपके पास होगा तो उसके अंदर सॉफ्टवेयर लोड होता है, किसी के अंदर विंडोज एक्सपी लोड होगा, किसी के अंदर विंडोज 7 लोड होगा, किसी के अंदर विंडोज 8 और किसी के अंदर विंडोज 10 लोडेड होगा। तो हमारे पास जो लैपटॉप है इसके अंदर विंडोज 7 लोडेड है, आप चेक कर लीजिएगा। जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा, हर कंप्यूटर के अंदर नोटपैड जरूर लोड होता है, वर्ड पैड जरूर लोड होता है, पेंट जरूर लोड होता है, इसलिए दिक्कत नहीं है, आपको अलग से सॉफ्टवेयर लोड कराने की जरूरत नहीं होगी, विंडोज के अंदर ये लोडेड होता है। तो लेके चलता हूँ, आपको देख लीजिए और उसके बाद पूरा सीखिए कैसे कैसे करते हैं दोस्तों। तो चलिए उसको भी ऑन कर लीजिए। सिंपल इसका चार्जर देखिए हमने लगा दिया है, लग गया है, अब इसको ऑन कर देते हैं। ठीक है, सिंपल तरीके से यहाँ से ऑन आपके लैपटॉप में जहाँ भी स्विच होगा उसको ऑन कर लीजिएगा, लैपटॉप और ऑन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पासवर्ड दिया हुआ हमारे कंप्यूटर में लैपटॉप के अंदर, हो सके आपके लैपटॉप में पासवर्ड नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे पासवर्ड दिया, हमने पासवर्ड डाल के उसको आगे बढ़ गया हमें, ये हमारा लैपटॉप आगे बढ़ रहा है। इस वाले लैपटॉप के अंदर विंडोज 7 लोडेड है, हो सके आपके पास जो कंप्यूटर लैपटॉप उसके अंदर विंडोज 10 लोडेड है, तो सबका तरीका ये होता है, हर कंप्यूटर के अंदर आपको जो है नोटपैड मिल जाएगा, उसमें कैसे टाइपिंग है, क्योंकि कंप्यूटर का सीखने का जो पहला स्टेप है ना, कहीं भी आप कोचिंग सेंटर में जाएंगे तो वहाँ पर आपको नोटपैड पे काम कराया जाएगा, उसी पे प्रैक्टिस करवाया जाएगा, कैसे छोटा डेटा टाइप करते हैं, कैसे बड़ा डेटा टाइप करते हैं, कैसे सारी चीजें। अब लेके चलता हूँ कैमरे को पास, देख रही है, अब लेके चलते हैं आपको दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, देखिए लैपटॉप का ये स्क्रीन है पूरा पूरा ही, देखिए इसको कहते हैं आपका जो है डेस्कटॉप कहते हैं, छोटे छोटे ये चीजें दिख रहे हैं, इसको आइकन कहते हैं। देखिए ये जो दिख रहा है ना, ये सब आइकन है, ये आइकन है, ये मतलब कि कोई प्रोग्राम खोलना है इसका शॉर्टकट की यहाँ दिया हुआ है, कर सकते हैं। अब क्या करना है आपको लेके चलता हूँ मैं, इस पर नोट पर टाइप करना। देखिए ये माउस का एरो की है, ये जैसे हम ये माउस का नीचे वाला ये एरो ना ऐसे घुमा रहा हूँ, देखिए ये घुमा रहा हूँ तो मतलब ये भी घूम रहा है, देखिए ऊपर ये घूम रहा है ना, ये मतलब जमीन पर रखते हैं, मैं आपको दिखाने के लिए हाथ पे घुमा रहा हूँ, यहाँ घूम रहा है, ये घुमा सकते हैं या इसको घुमाना आपको हो तो आप लैपटॉप के ये जो इससे घुमा के इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये हो चुका है, अब नीचे आते हैं, इसलिए घुमा के लेकर आते हैं हम यहाँ पर नीचे, देखिए यहाँ लेकर आए, आपको सिंपली स्टार्ट पे क्लिक कर देना है, मतलब ये जो आपका है ना इसके ऊपर जो है क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे, देखिए इतना सारा ऑप्शन आ चुका है यहाँ पर, इतना सारा ऑप्शन आ चुका है। अब देखिए लिखा हुआ प्रोग्राम, ऑल प्रोग्राम लिखा हुआ, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ऑल प्रोग्राम के ऊपर यहाँ पर, यहाँ पे क्लिक करिए, क्लिक करने बाद में अब देखिए लिखा हुआ एक्सेसरीज, लिखा हुआ ना एक्सेसरीज, यहाँ पर क्लिक करें एक्सेसरीज के अंदर, और उसके बाद आपको देख सकते हैं यहाँ वर्डपैड लिखा हुआ नीचे, यहाँ पर ये वर्डपैड आ गया है, इसी में टाइपिंग होती है, या तो सिंपल सबसे स्टार्टिंग जो है नोटपैड करते हैं, और नीचे उसके पेंट दिया हुआ, ये तीन सॉफ्टवेयर हर जगह आपको इंस्टॉल मिलेगा। तो मैं नोटपैड पे काम करता हूँ, आपको इसी पे सिखाता हूँ नोटपैड में कैसे टाइपिंग करते हैं। तो इस पर क्लिक करके देखिए, जब इस पर आप लेकर आएंगे ना तो आप इसके ऊपर जो है एंटर मार देंगे, मतलब इसी को कर देंगे, तो देखिए खुल गया ये। अब देखिए जब पहला विंडो खोलेंगे तो देखिए ऐसा खुल के आएगा नोटपैड, ये देखिए ये जो है ना नोटपैड एकदम सादा लिख कर आएगा, एकदम उसमें कुछ लिखा नहीं रहेगा। सबसे पहले दिखाता हूँ, देखिए ये लिखा टाइटल बार के ऊपर लिखा हुआ अनटाइटल, ठीक है ना, अनटाइटल लिखा हुआ ना, ये देखिए अनटाइटल लिखा हुआ है, मतलब और ये बगल में लिखा, इसके लिखा हुआ नोटपैड लिखा हुआ। अब ये है, अब ये छोटा स्क्रीन आ रहा, बड़ा इसको करना है तो आपको माउस के बीच में ले आना यहाँ पर, और जो बीच वाला दिया ना, बीच वाला ये, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना, देखिए क्लिक कर दिया तो अब ये बड़ा हो गया, ठीक है ये बड़ा हो गया ये। अब आपको कुछ भी लिखना आपको है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, कैसे लिखना नहीं है, हम चल के लिखते हैं आपको यहाँ पर। अब देखिए यहाँ मुझे लिखना है कि माई नेम इज जोगेंद्र, ठीक है, तो आप लैपटॉप का जो कीबोर्ड है यहाँ से टाइप कर सकते हैं, और ये जो कंप्यूटर का जो कीबोर्ड है आपके यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। अब छोटा लेटर बड़ा लेटर लिखना है तो मैं बेसिकली लिख चलता हूँ, आपको कीबोर्ड के अंदर सिखाता हूँ कैसे छोटा लेटर बड़ा लेटर लिखना। देखिए ये आपका टाइपिंग प्लेस है जहाँ आपको टाइप करना है, तो अब सिंपल तरीके से मैं क्या करता हूँ, देखिए लिखता हूँ, अब मेरा नाम है, माय नेम इज जोगेंद्र, कीबोर्ड उल्टा करके दिखाने के लिए अब एम टाइप करूंगा, देखिए एम लिखा मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, फिर वाई टाइप कर दिया, सिंपल एकदम लॉ मतलब नॉर्मल जो यूज़ करते हैं आप, कुछ नहीं आता मान लीजिए, तो एम टाइप किया मैंने, फिर इसके वाई पे दबा दिया, और उसके देखिए स्पेस देना है ना कीबोर्ड के अंदर,
तो ये बटन दबा देंगे, बड़ा जो दिया रहता है इसको कहते हैं स्पेस बार कहते हैं, इसको दबा देंगे कि इसके बीच में गैप हो गया है, ठीक है। अब उसके बाद लिखिए गैप हो गया है, और उसके बाद लिखना है इज, लिखना है माई नेम, लिखना है एन ए एम ई। अब इसे सब छोटा लेटर लिखा रहा है, बड़ा लेटर लाइन दिखा रहा है, ठीक है, देख रहे हो ना, सब छोटे लेटर में लिखा रहा है। अभी बता दो बड़े लेटर कैसे लिखाएगा आपका। फिर इस पर क्लिक कर दिया, फिर इसके लिख दिया माई नेम इज, मेरा नाम जोगेंद्र है, जे ओ जी ई एन डी आर ए, लिख दिया जोगेंद्र। अब चाहता हूँ कि मैं जो हूँ जो ना कैपिटल बड़े लेटर में लिखने के लिए, अभी लिखा तो क्या है, अब मुझे लिखना है बड़ा लेटर, लिखना बड़ा लेटर कैसे लिखूंगा, तो देखिए क्या करना है। अब ये कीबोर्ड के अंदर एक बटन दिखेगा आपको, कैप्स लॉक दिखेगा, दिख रहा ना, ये कैप्स लॉक दिख रहा है, इसको जब दबा देंगे आप एक बार, ऐसे दबा के छोड़ दीजिए, दबाएंगे तो उसका देखिए एक लाइट जल जाएगा यहाँ पे कीबोर्ड के अंदर जो है, ये लाइट जल जाएगा बीच वाले, इसके ऊपर नीचे लिखा ए लिखा हुआ है, कैप्स लॉक कहते हैं, ऑन हो गया। अब मैं कुछ भी टाइप करूंगा ना कंप्यूटर के अंदर स्पेस देकर, तो वो अब बड़ा लेटर लिखाएगा। अब फिर लिखता हूँ माई, देखिए नेम इज जोगेंद्र, देख रहे ना, मतलब पहले लिखा मैंने बिना कैप्स लॉक ऑन किए हुए छोटा लेटर लिखा रहा था, उसके बाद जो है ये सब लिखा बड़ा लेटर के अंदर, देख सकते हैं ये अभी ये लिखा हुआ माई नेम इज जोगेंद्र बड़ा लेटर के अंदर, तो ये समझ चुके होंगे। अब मान लीजिए कि मैंने जो है ऐसे करते करते 10 लाइन लिख दिया, मतलब 20 लाइन जो भी लिखना है वो उसको लिख दिया हूँ। अब मुझे पूरा लिखना अगर कुछ भी टाइप कर सकता हूँ, मतलब कुछ भी ऐसे करके जो भी आपको टाइप करना है टाइप कर लीजिए, एक आपको एग्जांपल देने बता रहा हूँ मैं, कुछ भी टाइप करने टाइप कर दिया। अब टाइप कर लिए, अब चाहते हैं कि इसको हम सेव करना, सेव करना चाहते हैं कि मैं कल कंप्यूटर खोलूँ तो खुल जाए, तो सभी वन बाय वन करके स्टेप आपको पूरा दिखाता हूँ। देखिए पहले ऊपर देख सकते हैं टाइटल बार था, इसके बाद ये मेनू बार दिया हुआ नीचे, इसके ऊपर पहले लिखा हुआ फाइल लिखा हुआ है, ठीक है, देखिए फाइल लिखा हुआ है, फाइल है, और फाइल के बगल में आपका एडिट दिया हुआ है, एडिट है, और उसके बगल में आपका दिया फॉर्मेट दिया हुआ है, उसके बगल में व्यू दिया, उसके बगल में हेल्प दिया हुआ है। सबसे पहले हम खोल लेते हैं फाइल, फाइल के अंदर क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, तो क्या करना खोलने के लिए आपको, आपको खोलने के लिए या तो आपका हाथ इस पे सेट है, इसको घुमाइए उंगली से, घुमाइए, घुमाने के बाद में फाइल पे लेके जाइए इसे, माउस को यहाँ पे क्लिक करिए ऐसे, ये ले आइए, या माउस का जो है ना इसको माउस को घुमाइए ऐसे, घुमाइए, जब घुमाएंगे आप माउस को तो देखिए ये आपका एरो घूमेगा, और लाके इसके ऊपर जो है ये वाला की है ना, पहला वाला की, इसको क्लिक करना रहेगा, ये वाला की से देखिए इस पर हमें लाके ऐसे क्लिक करना रहेगा, इस वाले की से तो कर सकते हैं। तो चलिए लेके चलते हैं आपको, हम दिखाते हैं आपको, है तो ये है। अब चलते हैं फाइल के ऊपर, फाइल पर हमने क्लिक किया, अब देखिए इसमें न्यू आ गया, ओपन आ गया, सेव आ गया, सेवेज आ गया, पेज सेटअप आ गया, प्रिंट आ गया, एग्जिट आ गया, बहुत संक्षिप्त में अच्छे से बताने का प्रयास करूँगा आपको। मतलब ये देखिए न्यू होता है मतलब कि आपको कोई नया पेज काम करना है, जैसे मैं काम कर रहा हूँ इसको नया खोलना है तो न्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है, पहला चीज़ हो गया न्यू, मतलब नया काम करने के लिए जान लीजिए। दूसरा हो गया ओपन, मतलब कल मैंने एक फाइल बना हुआ था ABC नाम से, अगर मैं आज खोलता हूँ उस फाइल को तो ओपन में जाएंगे, कल वाली फाइल को खोलने के लिए इसको ओपन पे क्लिक करते हैं, ये हो गया। थर्ड नंबर पे आता है सेव, अब जान लीजिए स्टार्टिंग हम सेव से करते हैं, सेव पे क्लिक करना, ये फाइल है, ठीक है, ये फाइल लिखा हुआ माय नेम इज जोगेंद्र, इसके अंदर बहुत सारे मैंने मान ली 10 लाइन लिख दिया हुआ, अभी जो उसमें सेव करना है तो हम क्लिक करेंगे फाइल के ऊपर और यहाँ जाएंगे लिखेंगे सेव पे क्लिक करेंगे, ठीक है, सेव पे क्लिक करेंगे, इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल एस भी कर सकते हैं, कीबोर्ड के अंदर कंट्रोल और एस दबाएंगे तभी खुल जाएगा, ये विंडो खुल जाएगा, ये हो जाएगा। अब चाहते देखिए यहाँ लिख रहा था कि फाइल का फाइल नेम पूछ रहा है कि फाइल का क्या नाम डालना आपको है, तो फाइल का नाम मैं डाल देता हूँ ABC डाल दिया, ठीक है, फाइल का नाम मैं डाल दिया ABC डाल दिया, और यहाँ देखिए लिखा हुआ सेव एट डेस्कटॉप, डेस्कटॉप बताया ना मैं कंप्यूटर के शुरू में आता उसको डेस्कटॉप कहते हैं, तो ये डेस्कटॉप है, आपने यहाँ लिख दिया है ABC लिख दिया, और सिंपल तरीके इस पर मैं सेव कर देता हूँ, देखिए सेव है, सेव पे क्लिक कर दिया मैंने, इस पर क्लिक कर दिया, अभी फाइल मेरी सेव हो चुकी है। अब यहाँ मैं कोने से इसको बंद करना है तो कोने से जाऊँगा क्लिक करूँगा बंद हो जाएगा, बीच और बता दिया छोटा बड़ा करने के लिए, इसको मिनिमाइज करना है, इसको अगर दबा देंगे किनारे वाले को देखिए नीचे आ गया, ये मतलब आपका इस टास्क बार के ऊपर आ चुका है ये चीज़, फिर इस पर क्लिक करेंगे दोबारा तो देखिए बड़ा हो चुका है, ठीक है, तो ये आप जान चुके हैं ऊपर वाली लाइन को, ये जान चुके हैं, अब इसको बंद कर देते हैं। अब मान लीजिए कि मैं अगले दिन कंप्यूटर दोबारा खोलता हूँ, अब मुझे वही फाइल चाहिए खोलने के लिए, तो देखिए इस डेस्कटॉप के ऊपर मैंने सेव किया हुआ था, देखिए ABC नाम की फाइलें आ चुकी नहीं आ चुकी है, आगे नहीं आ गई है, देखिए जरा ये, अब मैं खोलता हूँ इस फाइल के अंदर क्या दिखाता, देखिए जो कल मैंने काम किया हुआ था वही है, इस पर मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, अब देखिए कल जो मैंने टाइप किया हुआ था ना दोबारा इसके अंदर आ गया, समझ गए इस बात को ना, सिंपल तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आपको है, एकदम क्लियर है ना। चलिए अब बताते हैं अब क्या करना आपको है। अब मान लीजिए कि इसका नाम मैंने रखा हुआ ABC रखा हुआ है, आप चाहते हैं कि इसके अंदर मैंने कुछ और आज जो है इसके अंदर मैंने कुछ और टाइप कर दिया। अब चाहता हूँ जो एक पेज का मेरा फाइल था वो दो पेज के अंदर बन चुका है, अब चाहता हूँ इस फाइल को मेरा जो है कुछ और नाम सेव हो जाए, जैसे ABC था, अब मैं चाहता हूँ XYZ हो जाए नाम इसका हो जाए, तो हम क्लिक करेंगे फिर फाइल के ऊपर, ठीक है, फाइल पर क्लिक करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा सेव कर दिया हमने, अगर यही सेव कर देंगे
अगर यही सेव कर देंगे तो सेम नाम से ये भी इसी में सेव हो जाएगा। इसमें शॉर्टकट की दिया हुआ, कंट्रोल के साथ में एस दबा देंगे, अगर मान लीजिए कंट्रोल ये कंट्रोल दबाए रखेंगे उसके बाद एस दबा देंगे फाइल को, तो देखिए फाइल जो है सेव हो गया। अब इसके अंदर खोले अगले दिन आके एबीसी खोलेंगे, देखिए वो फाइल जो ऐड मैंने किया था वो दोबारा से नीचे भी ऐड हो गया। बात क्लियर आपको एकदम समझ गए एकदम ना, तो इसको फिर दोबारा बंद कर देते हैं। अब आपको सिखाता हूँ सेव एज क्या होता है। देखिए फाइल के अंदर आप बता समझ गए, अगर कुछ नया काम करना है अगर न्यू पे क्लिक करूंगा तो नया फाइल खुल के आ जाए, ओपन खोलना है कल वाली फाइल खोलना ओपन क्लिक कर सकते हैं, सेव हो चुका। अब सेव एज पे आते हैं, सेव एज पे क्लिक करेंगे, हम यहाँ क्लिक करेंगे सेव एज के ऊपर। अब इसको जो फाइल बनी हुई इसको दूसरे नाम सेव करना हमको है, तो यहाँ लिख देते हैं एक्स वाई जेड। देखिए लिख दिया मैंने एक्स वाई जेड, डेस्कटॉप रहने देते हैं। अब हम इस पर स्लेव पे क्लिक कर देते हैं, इसको हम बंद कर देते हैं। अब देखिए एक ही तरह दो फाइल बन गई, एक एबीसी फाइल बन चुका है और एक बन चुका क्या एक्स वाई जेड। अब दोनों के अंदर देखिए, अब इसको एबीसी को मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए इसमें इसी जो मैटर लिखा हुआ सेम लिखा हुआ है, क्लियर हो रहा है ना आपको। और देखिए दूसरे अंदर ये देखिए लिखा हुआ है, इसके अंदर सेम प्लग, मतलब दो फाइल बन चुका है एक ही चीज का, दो फाइल बन चुका है। क्या क्या चीजें हैं, तो पहला न्यू है, नया करने के लिए ओपन के माध्यम से आपने जो कल काम किया हुआ है यहाँ क्लिक करेंगे, ओपन पे मान लीजिए ओपन क्लिक करेंगे। अब कल जो आपने काम किया हुआ है ना, मान लीजिए कि अगर खोलना आपको है ये फाइल एक्स वाई जेड खोलना, इस पर क्लिक करेंगे तो एक्स वाई जेड खुल जाएगा, तो ओपन ये हो गया, तो न्यू आपका ये हो गया, ओपन आपका हो गया, सेव मैंने बता ही दिया, सेव बता दिया। अब देखिए क्या होता है, प्रिंट आउट करना आपको होगा, मतलब आपने टाइप कर लिया, मान लीजिए कि आपने जो लेटर टाइप कर दिया है, कोई एप्लीकेशन लिखा लेटर लिखा हुआ है, तो अब देखिए इसमें क्या है, पेज सेटअप पे जाएंगे क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। इसमें देखिए दो तरीके होता है, एक होता है लैंडस्केप, एक होता है पोर्ट्रेट, समझे कि नहीं। लैंडस्केप को कहते हैं ऐसे अगर रहेगा तो ये आपका क्या होगा, लैंडस्केप हो गया, और ऐसे अगर रहेगा पेज रहेगा तो इसको बोलते हैं पोर्ट्रेट, ठीक है। मतलब सीधा रहेगा तो पोर्ट्रेट कहेंगे और ऐसे पेज रहेगा तो मतलब लैंडस्केप रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए साइज क्या दिया हुआ है, नोट कर लिए, लेटर है ना, तो हमारा जो नॉर्मली पेपर मिलता है मार्केट में उसको कहते हैं A4 साइज कहते हैं, यहाँ सेटिंग कर सकते हैं, यहाँ पे A4 पे क्लिक कर दीजिए आप। और देखिए ऑटो सेलेक्ट कुछ नहीं करना आपको, पेपर वाला रखना ऑटोमेटिक ले लेगा, मैंने बताया ना पोर्ट्रेट क्या होता है, पोर्ट्रेट मतलब ये वाला साइज सीधा हो गया। अब देखिए इस पर लैंडस्केप क्लिक कर देता हूँ मैं, तो पेज जो है ऐसे टेढ़ा हो गया। तो आपको पूछे पोर्ट्रेट क्या होता है, लैंडस्केप क्या होता है, तो आप सिंपल तरीके से बता देंगे पोर्ट्रेट क्या होता है, मतलब पोर्ट्रेट मतलब सीधा और लैंडस्केप मतलब टेढ़ा, और ज्यादा कुछ जानकारी नहीं, धीरे करते करते आप सीखेंगे। यहाँ एक बंद कर दीजिए, अब चलिए करते हैं फाइल को क्लिक करते हैं, आपने सेटिंग कर दिया, आप सिंपल देखिए कंट्रोल पी दबा, देखिए शॉर्टकट दिया हुआ कंट्रोल पी दिया हुआ है, या तो सिंपल तरीके से प्रिंट कर दीजिए, तो आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। जब प्रिंट करेंगे तो पूछेगा आपका प्रिंटर का नाम है, सिंपल तरीके प्रिंट पर क्लिक कर देंगे तो ये कंप्यूटर में प्रिंट आउट हो जाएगा आपका। तो अब ये समझ चुके आप हैं, अब देखिए अगर इसको बंद करना है तो एग्जिट होता है, आप सब जानते हैं एग्जिट करने के लिए, ये हो चुका। अब सेकंड नंबर पे आते हैं, ये है एडिट, ठीक है, ये देखिए एडिट है ना ये। अब एडिट पे आप क्लिक करेंगे, देखिए कंप्यूटर के अंदर सबसे स्टार्टिंग चीज ये बेसिक होता है, अगर ये जान जाएंगे आपको ना तो आपको आगे काम आएगा। और इसी तरीके से आप बात करते हैं एडिट की, सेकंड नंबर पे एडिट है ना, इस पर क्लिक कर देते हैं, एडिट पर क्लिक करेंगे। अब देखिए इसमें कुछ लिख के आ गया, अंडू है, कट है, कॉपी है, पेस्ट है, डिलीट है, फाइंड है, सारी चीजें हैं। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको ना इन चीजों को सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो आपका डॉक्यूमेंट बना हुआ है मतलब जो मैटर आपने लिखा हुआ है सेलेक्ट करेंगे तब ये हाईलाइट होगा, हाईलाइट मतलब ये इस प्रकार से ब्लैक डार्क आ रहे हैं वैसे ये भी ब्लैक डार्क आ जाएंगे। तो अभी सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, मान लीजिए कि माई नेम इज जोगेंद्र लिखा हुआ है, अब चाहता हूँ ये लाइन को मैं कॉपी कर लूँ, मतलब इसको पकड़ लूँ और इसको जो है बार 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 यहाँ तक टाइप करूँ मैं, तो सिंपल तरीके से अब देखिए माई नेम इज जोगेंद्र, इस पर लेकर आएंगे, माउस को लेकर आएंगे ऐसे पकड़ के और ऐसे करके ऐसे हीज देंगे, देखिए माई नेम इज जोगेंद्र आ गया। इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए अब दिखाता हूँ आपको, देखिए अब आपको नहीं लगेगा, देखिए ये माउस लेकर आइए यहाँ पर, आप वहाँ दिखाइए, आप माउस को दिखाइए, इस पर क्लिक कर दिया यहाँ पे, और इसके बाद जो है यहाँ ला के इसको आप ऐसे पकड़ के ऐसे माउस से मतलब माउस ऐसे खींचेंगे ना, माउस से हिलाएंगे तो ये सिंपल तरीके से एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। अब देखिए जोगेंद्र जो फाइल है ना, माई नेम इज जोगेंद्र, ये हाईलाइट हो गया मतलब ब्लू कलर का हो गया, अब देख रहे हैं। अब इसको क्या करना, हमको कॉपी करना है, तो एडिट में जाएंगे हम, सिंपल तरीके से एडिट में जाएंगे यहाँ पे एडिट में, अब इसको हम करें, देखिए हाईलाइट हो गया ना ये सारी चीज़ें, अब इसको हम कॉपी पे क्लिक कर लेते हैं, कॉपी पे क्लिक कर लेते हैं, कॉपी पे क्लिक करने बाद में अब अपना हमको टाइप फिर यहाँ करना है, तो यहाँ लेके गए, अब यहाँ लेके यहाँ फिर जाएंगे एडिट में जाएंगे, इसको देखिए यहाँ पेस्ट कर देंगे, तो बिना टाइप के देखिए जोगेंद्र लिखा गया मायने में। अब फिर हमको लिखना नीचे लिखना है, तो बिना टाइप में जाएंगे यहाँ पेस्ट पे क्लिक कर देंगे, देखिए ऐसे करते करते या तो शॉर्टकट की इसका है कंट्रोल के साथ में, कंट्रोल दबाए रखिए ये वाला कंट्रोल, और उसके साथ में ये वी वाला बटन है ना, देखिए कंट्रोल वी करेंगे तभी ये शॉर्टकट की है, उसमें दिखाइए देखिए कंट्रोल वी हम दबा रहे हैं, इसके बाद जो है ये तरीके शॉर्टकट की है। तो आप समझ चुके हैं कि क्या हो गया, कॉपी पेस्ट समझ चुके। कट क्या होता है, कॉपी में क्या होता है कि जैसे आपने इस मैटर को कॉपी कर लिया, इसको मैंने मान लीजिए कॉपी कर लिया, तो कॉपी कर लिया हमने कि ये कॉपी मैटर तो यहाँ रहेगा ही रहेगा, उसके अलावा जो है आप इसको कॉपी कर चुके। कट में क्या हो चुका है, हम अगर कट कर देंगे तो ये आइटम वहाँ से गायब हो जाएगा, देखिए वहाँ से जोगेंद्र वाला गायब हो चुका है, लेकिन जब पेस्ट करेंगे आप यहाँ पे तो पेस्ट वाला चीज़ यहाँ पे हो जाएगा, देखिए पेस्ट कर रहे हैं ये हो गया, पेस्ट कर रहे हैं ये हो गया, पेस्ट कर रहे हैं
हो गया ठीक है, ये समझ चुके ना आप, आपको पूछे कट कॉपी पेस्ट क्या होता जान चुके हैं। फिर देखिए दिया अंडू, दिया अंडू मतलब रिटर्न, आपने जो किया भी है उसको अंडू करना, जब मोबाइल के अंदर भी होता अंडू ना, इस पर क्लिक कर देंगे तो देखिए अंडू हो गया, वो सब गायब हो रहा, पुराना चीज गायब हो जाएगा ठीक है, ये समझ चुके आप। अब इसके बाद आते हैं हम बात करते हैं डिलीट करना, सिंपल तरीके जानते हैं, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट करने बाद में एडिट पे आए, इस पर क्लिक करिए डिलीट के ऊपर तो डिलीट हो जाएगा ये इस तरीके से मोबाइल के अंदर, मतलब फाइंड, मतलब कि आपको फाइंड करना उसके अंदर ना फाइंड कर सकते हैं। फिर देखिए सेलेक्ट दिया हुआ है तो या कंट्रोल ए सेलेक्ट कर लीजिए सबको, या तो इस पर सेलेक्ट ऑल पर क्लिक कर देंगे तो देखिए सब एक बार में सेलेक्ट हो गया, तो ये हो गया। अब उसके बाद आते हैं डेट टाइम को सेट करना है, तो यहाँ से आप डेट टाइम भी सेट कर सकते हैं, ये हो गया। अब उसके बाद आते हैं फॉर्मेट के अंदर, देखिए फॉर्मेट दिया हुआ, इसमें दो ऑप्शन दिया हुआ, वर्ड रैप और एक दिया फॉन्ट दिया हुआ है, जो आप ये देखिए वर्ड रैप समझ लेते हैं क्या है। देखिए टिक दिया, टिक इसको हटा देते हैं, अब टिक हटा दिए, अगर हम कुछ भी टाइप करेंगे ना, देखिए कुछ हम टाइप करें, मान लीजिए कुछ भी टाइप हम कर रहे हैं, देखिए टाइप करें ना, तो ये आगे बढ़ता चला जा रहा है, मतलब कि लाइन एकदम आगे बढ़ता जा रहा है ठीक है। अब हमें क्या चाहते हैं कि यहाँ हमने टाइप करें, हमारा टाइप नीचे हो जाए, कैसे हो सकता है, तो आप सिंपल तरीके देखिए यहाँ पर क्लिक करें फॉर्मेट पे, इसे वर्ड रैप पे क्लिक कर देंगे, देखिए ऑटोमेटिक नीचे लाइन आ गया, मतलब अब जब टाइप करेंगे आप तो इससे आगे ऑटोमेटिक नहीं जाएगा, देखिए यहाँ नीचे जाएगा, ये नीचे आगे, देखिए बात समझे बात है, वर्ड रैप मतलब कि ये डायरेक्टली नहीं आगे जाएगा, वहाँ से नीचे आ जाएगा, मतलब नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, क्लियर आपको हो गया एकदम है। अब कोई पूछे वर्ड रैप क्या होता बता दीजिएगा उसको, इस तरीका से फॉन्ट में अगर आपको फॉन्ट चेंज करना आपको है तो कुछ तरीके से यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, मोटा करना है, इटालियन करना है, सारी चीज़ें जो है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं सिंपल तरीके से, जैसे मोबाइल के अंदर करते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से काम होता है, व्यू के अंदर ज़्यादा कुछ है ना, स्टेटस बार के अंदर, हेल्प के अंदर पढ़ना कुछ है, तो देखिए मैं चाहता था कि आपको कंप्यूटर के अंदर लैपटॉप के अंदर बेसिक ज्ञान दूँ, क्योंकि बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे यूज़र, वो चाहते थे और कह रहे मुझसे सर कि नोटपैड बारे में बताइए, तो इस तरीके से कर सकते हैं, बंद करना कोने से बंद कर देंगे, यहाँ से देखिए सिंपल तरीके से इसको बंद कर दीजिए। अब यहाँ पूछ रहा है कि डू यू वांट टू सेव द चेंजेस, अब मैंने जो फाइल बना रखा है एक्स वाई जेड को उसमें मैंने चेंजेस कर दिया, तो सेव कर देंगे तो सेव कर देगा, डोंट सेव कर देंगे तो उसको सेव नहीं करेगा, कैंसिल कर देंगे तो दोबारा कैंसिल करते हैं तो दोबारा ही खुल के आ जाएगा ठीक है। अगर इसको हम दोबारा क्लिक करते हैं यहाँ पर डोंट सेव कर देते हैं, डोंट सेव पर क्लिक कर दिया हमने, कर दिया बंद हो गया ठीक है। तो मुझे लगता है कि अब आपसे कोई पूछेगा कि भैया कंप्यूटर के अंदर नोटपैड कैसे चालू किया जाए, कैसे उसको चाहिए किया जाता है, तो आप कर सकते हैं। देखिए प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जितना आप करेंगे उतना सीखेंगे, मेरा कर्तव्य था बताना है आपके लिए और आपको बता दिया मैंने, तो आप काम करिए। तो कीबोर्ड मैंने बेसिकली लगा रखा था, जो इसमें काम करा था उसी कीबोर्ड से आप काम कर सकते हैं, या तो जहाँ इससे काम कर सकते हैं, या टच पैड इससे काम करिए, या अपने माउस से काम कर सकते हैं। तो जो लोग भी नए हैं एकदम हैं उनके लिए फायदेमंद वीडियो, जिनको कंप्यूटर चलाने आता है वो कहेंगे क्या वीडियो बना रखा है, लेकिन मैंने वो जो नए मेरे यूजर है जिनको बिल्कुल नहीं आता उनके लिए दोस्तों है, वीडियो पसंद अगर आए तो प्लीज लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बताए पहले क्या अच्छा वीडियो बना सकते हैं, वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों। जय हिंद जय भारत, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी टॉपिक के साथ में, तब तक आप सब लोग को नमस्ते दोस्तों।